Assalamualaikum everyone, hopes you all are doing well. आप सब लोग ठीक ठाक होंगे. तो वीडियो की तरफ चलते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. आज के वीडियो में मैं आपके साथ रिवाज यूके का प्राइमर शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे पास दो प्राइमर्स हैं. इन दोनों का डिफरेंस आपके साथ शेयर करूँगी और इसके साथ साथ ये वाला प्राइमर लगाने का फ़ायदा क्या है आपकी स्किन पे, इसके प्राइस आपके साथ डिस्कस करूँगी एंड ऑल्सो शेयर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्राइमर. और सबसे जो मेन चीज़ है कि इन दोनों प्राइमर्स में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है. अब यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करने का मकसद ये था ताकि जो दो डिफरेंट नेम के साथ आपको मार्केट में प्राइमर्स मिल रहे हैं, इनके हमें रिजल्ट्स भी पता होने चाहिए कि हम अगर वो वाला बाय करें तो उसका क्या रिज़ल्ट है, अगर सिंपल वाला बाय करें तो उसका क्या रिज़ल्ट है. यहाँ पे मेरे पास जो इनके प्राइमर्स हैं, फर्स्ट वाला मेरे पास प्राइमर है इनका मेकअप बेस वाला एंड सेकेंड वन मेरे पास प्राइमर है 24K गोल्ड वाला प्राइमर. ये वाला जो आप प्राइमर देख रहे हैं ये एक मैट फिनिश, इसकी जो एक बॉटल है वो भी मैट है बिल्कुल. सो इस प्राइमर की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो अगर आप इसी कंप्लीट इसका रिव्यू और इसकी क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर दूँगा. अब बेसिकली मैं आपको इसका अगेन इसका टेक्स्चर शो करवा देती हूँ. जब आप अपने मेकअप से पहले प्राइमर को अप्लाई करेंगे तो आपको ये वाकई में एक वेलवेटी सा लुक देता है, आपको एक सॉफ्ट सा लुक एक आपकी स्किन के ऊपर छोड़ के जाता है ये वाला प्राइमर. आप जब लगाएंगे फ़ौरन से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा. आपने प्राइमर लगाने के बाद अपनी स्किन को एटलीस्ट 10 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद आपने कोई ना कोई फाउंडेशन अप्लाई करनी है, ठीक है. डायरेक्ट प्राइमर के बाद फाउंडेशन अप्लाई नहीं करते. सो अब यहाँ पे प्राइमर आपके स्किन पे बेसिकली क्या काम करता है. प्राइमर ना सिर्फ आपकी स्किन को एक स्मूथर सा एक टेक्सचर छोड़ के जाता है आपके स्किन पे, इसके साथ साथ जो हमारे स्किन पे डे आउट पूरा दिन जो एक्सेस ऑयल जो निकल रहा होता है हमारी स्किन में से, प्राइमर उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर देता है. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू अप्लाई प्राइमर वेन एवर यू आर अप्लाइंग फाउंडेशन ऑन योर स्किन. सो यहाँ पे अब वो वाला जो प्राइमर है वो तो आपकी स्किन को एक मैंने से आपको बताया कि वेलवेटी से एक सॉफ्ट सी लुक छोड़ के जाता है. सो वो प्राइमर जिनकी स्किन ड्राई है जिनकी स्किन ऑयली है वो वाले लोग उस प्राइमर की तरफ जा सकते हैं. अब जब मैंने ये वाले प्राइमर को बाय किया तो इस प्राइमर का रिज़ल्ट मुझे क्या मिला, 24K गोल्ड के नेम से आपको मिलेगा. उसकी जो बॉटल है वो मैट है, इसकी आप देख सकते हैं दोनों की है, ग्लास बॉटल है और पंप की शेप में आपको ये प्राइमर्स मिलेंगे. अच्छा अब जो मज़े की दोनों में बात ये है कि इनकी थोड़ी कंसिस्टेंसी का फ़र्क है. जो मेकअप बेस वाला प्राइमर है वो बहुत जल्दी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाता है और जो ये वाला प्राइमर है ये ज़रा एक्स्ट्रा सॉफ्ट है आप ये कह सकते हैं, लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है कि अगर आप लगा रहे हैं आपकी कोई फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जा रही है, ऐसा मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ. मैंने 2-3 बार 24K वाला प्राइमर अप्लाई किया है फाउंडेशन से पहले, जैसा ही रिज़ल्ट जितनी देर वो निकालता है उतनी देर यही निकालता है. सो ये आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से जौन सा भी प्राइमर लेंगे तो मेरे ख्याल में रिज़ल्ट आपको भी इसका एक ही मिलेगा, कोई ऐसा कोई खासा डिफरेंस नहीं है. हाँ प्राइस का ज़रूर डिफरेंस है, वो वाला आपको 900 में मिल जाएगा एंड ये वाला 24K वाला आपको इस टाइम 1200 प्लस में मिलेगा, 1200 आई गेस 30 इसकी प्राइस है. सो अगर तो आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप 24K वाला यूज़ कर सकते हैं, बट जो इसका मेकअप बेस वाला प्राइमर है वो इस टाइम ज़्यादा बेस्ट आ रहा है. वो आपके ऑयल को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर देता है एंड इसके साथ साथ ये आपके स्किन के ऊपर बहुत एक वेलवेटी सा टेक्सचर छोड़ के जाता है और प्राइस भी इसकी कम है. यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, इज़ इट नेसेसरी टू अप्लाई प्राइमर. मैं यहाँ पे कहूँगी कि नहीं, प्राइमर नेसेसरी नहीं है. प्राइमर नेसेसरी तब है कि जब आप अपनी फाउंडेशन को खुद ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं. प्राइमर नो डाउट आपके स्किन में से जो पोर्स होते हैं आपके स्किन के पोर्स को ज़रा बंद कर देता है और इसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं प्राइमर के. आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, SPF प्रोवाइड करता है, आपके स्किन कोरेक्टिंग के तौर पे काम करता है, पिगमेंटेशन के लिए काम करता है. बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं, कौन से वाला प्राइमर आप चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमर्स डिफरेंट तरह के होते हैं. अब इनमें से दोनों प्राइमर टोटली इसके ऊपर लिखा हुआ है कि दोनों टोटली डिफरेंट है, बट मेरे ख्याल में जस्ट वो 24K गोल्ड के जो चंक्स हैं वही इसके अंदर हैं, एज सच कोई खासा इनमें डिफरेंस नहीं है. बट आप किसी और ब्रांड का भी ट्राई कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि ये वाला ब्रांड अच्छा नहीं है, आप इसकी तरफ जाएँ, बट मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि आप मेकअप बेस प्राइमर पर अगर यूज़ कर लेंगे तो दोनों में से आपको सेम ही रिज़ल्ट मिलेंगे. तो अगर आपकी ड्राई स्किन या ऑयली स्किन है तो आप ये रिवाज यूके वाला प्राइमर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको उसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे. और जब आपने अपनी फाउंडेशन अप्लाई करनी है तो ये एटलीस्ट जितनी देर पहले ही आपके विदाउट प्राइमर निकालती है उससे कुछ
दो घंटे ज़्यादा आपकी फाउंडेशन निकाल जाती है, और जो एक्सेसिव ऑयल आपकी स्किन में से प्रोड्यूस होना है वो तो फिर होना ही होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर दूँगी, और आप इसको दराज से भी कहाँ से इसको रियल ऑर्डर कर सकते हैं वो भी उसका लिंक भी मैं ऐड कर दूँगी। इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दीज प्राइमर्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स मिल जाएंगे। तो ये था जी आज का एक रिव्यू, मुझे दीजिए इजाज़त, जज़ाकअल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।